टेंडर सर वापसी कर चार महीने तो है नोट, दूसरी नोटबंदी समझिए सर। देखिए आपने जो सवाल पूछा उसको भी थोड़ा आपको दूसरे तरीके से जवाब दे दिया, लेकिन कुल मिलाकर के कहा जाए तो ये वही कहानी है जो 2016 में अपनाई गई थी। और भ्रष्टाचार के नाम पर और सरकार के निर्णय पर कोई तारतम्य नहीं। आपको मालूम होना चाहिए पिछले बार के नोटबंदी में लगभग 2 लाख से अधिक इस देश के छोटे मझोले मध्यवर्गीय जो उद्योग थे वो देश छोड़कर चले गए। जो इस देश में सबसे अधिक लोगों को रोजगार देते थे हर एक चीज की सीमा होती है। आप लोग अपने पत्रकार लोग कोई मोबाइल से रिपोर्टिंग करता है, कोई कैमरे लगा के करता है, तो मोबाइल का कैमरा का कपड़े का जूते का चप्पल का हर चीज की एक उम्र सीमा होती है। लेकिन दुर्भाग्य मुझे लगता है देश में 2000 नोट का उम्र मात्र कितना होगा, 6-7 साल रहा। ये विशुद्ध रूप से मैं कहूंगा कि ये केंद्र सरकार का राजनीतिक निर्णय है और इनको लगता है कि ऐसे निर्णयों से वो अपने राजनीतिक वजूद बचा पाएंगे। लेकिन अब देश की जनता बहुत अच्छी तरीके से चीजों को समझ रही है, जान रही है। मुझे लगता है जिस आशा उम्मीद के साथ केंद्र की सरकार चुनी गई है इस देश के आम जनों की जो उम्मीदें थी वो सारा चकनाचूर हो गया। सर संथाल में मिनी एनआरसी की मांग उठ रही है सर बीजेपी की तरफ से, कहा जा रहा है कि बांग्लादेश